ईद कुर्बा में तीन दिन बाकी रह गए। मवेशी मंडियों में रश, मुख्तलिफ अकसाम के खूबसूरत बकरों की फरोख्त, बड़े जानवरों के महंगे दाम, खरीदारों का महंगाई का शिकवा, व्यापारियों से भावताव। छोटा जानवर 15 से 30 हज़ार, बड़ा जानवर 50 से 80 हज़ार रुपये तक महंगा। जानवरों की सजावट का सामान बेचने वालों की चांदी, बनाओ संगार, गले के हार, झांझरों की खरीदारी के लिए रश, हार 80 रुपये, झांझर 30 रुपये, चारा 25 रुपये फी किलो फरोख्त। सामान महंगा लेकिन जानवर की सजावट के लिए खरीदना जरूरी, शहरी पुरजोश। ईद उल अजहा पर शहर को साफ सुथरा रखने का मिशन, सफाई सुथराई, आलाइशें ठिकाने लगाने का प्लान तैयार। डीसी मुदस्सर रियाज की इजलास में दो रोज कबल इंतजाम की हदायत। यूसीज में 290 सफाई कैंप लगाएंगे, जबकि आलाइशों के लिए 15 लाख बैग्स तकसीम किए जाएंगे। उधर LWMC ने भी कुर्बानी के जानवरों का फजला ठिकाने लगाने की हिकमत अमली तैयार कर ली। ईद कुर्बान की आमद, गिरा फरोशों की छुरियां तेज, मसाला जात महंगे कर दिए, कीमतों में 100 से 200% तक इजाफा। अदरक 450, लहसुन 200, जबकि टमाटर 60 रुपये किलो तक जा पहुंचे। प्याज की कीमतें भी आवाम की पहुंच से दूर। शहर में मुनाफाखोर सरगर्म, ओग्रा नोटिफिकेशन के बगैर LPG की कीमत में तीसरी बार इजाफा। 5 रुपये इजाफे से कीमत 175 रुपये हो गई। घरेलू सिलेंडर 50 रुपये, कमर्शियल 200 रुपये महंगा। LPG डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन ने 18 जुलाई को कन्वेंशन तलब कर लिया। डेढ़ साल के बाद जेलों में ईद से पहले आम मुलाकात की इजाज़त। कैंप जेल में मुलाकातियों की बड़ी तादाद प्यारों से मिलने पहुंच गई। मुलाकात सुबह 7 से 3 बजे तक कराई जा रही है। पीर के रोज़ 2000 के करीब मुलाकातियों की आमद मुतवक्के। सेक्रेटरी हेल्थ जनूबी पंजाब मोहम्मद अजमल भट्टी का तबादला, खिदमात महकमे स्पेशलाइज्ड हेल्थ के सपुर्द। हुकूमत पंजाब की मोहम्मद अजमल को टेक्निकल एडवाइजर तायुनात करने की हदायत। लाखों रुपए तनख्वाह मिलेगी। मोहम्मद अजमल भट्टी DMG ऑफिसर हैं, ना के टेक्निकल ऑफिसर। IG पंजाब ने 5 अफसरान के तकर्रु तबादले कर दिए। जफर इकबाल DSP गार्ड तायुनात, अली अकबर SDPO मुस्लिम टाउन, नासिर अब्बास DSP माउंटेड पुलिस, CPO लाहौर तायुनात। नोटिफिकेशन जारी। महंगाई का तूफान सस्ते घरों के मंसूबे को भी ले उड़ा। नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के तहत सस्ते घर मजीद महंगे हो गए। 3 मरले घर की कीमत 3,50,000 रुपये बढ़ेगी। अब घर 14,30,000 की बजाय 17,80,000 रुपये का मिलेगा। घरों की कीमतों में इजाफे की सिफारिश। पंजाब हुकूमत का मसाइल के हल के लिए चीफ मिनिस्टर स्पेशल प्रोग्राम शुरू करने का फैसला। सफाई, स्ट्रीट लाइट्स, गिदागरों के खिलाफ मुहिम, वाटर टैंक्स, पार्किंग के मसाइल हल होंगे। वजीर आला उस्मान बुजदार की जेर सदारत इजलास में हदायत जारी। कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान की मसाइल के हल, सहूलियात के बारे में ब्रीफिंग। गुलाब देवी अंडरपास मंसूबे का संगे बुनियाद रखने की तैयारी मुकम्मल। वजीर आला मंसूबे का संगे बुनियाद 19 जुलाई को रखेंगे। LDA ने तकरीब की तैयारियां शुरू कर दी। अहम शख्सियात समेत 60 अफराद को मधु किया जाएगा। मॉनसून में इमारतें गिरने, करंट लगने के वाकयात में इजाफा। जुलाई में शहर की 9 बिल्डिंग गिर गईं। करंट लगने के 70 वाकयात रिपोर्ट, ज्यादा अमवात लाहौर में हुई। DG रेस्क्यू डॉक्टर रिजवान नसीर का बयान। लाहौर में नई मेट्रो बसों की एंट्री, मजीद 7 मेट्रो बसें कराची से लाहौर पहुंचा दी गईं। कुल तादाद 8 हो गई। 48 बसों का पहला फ्लीट अगस्त के वस्त तक होगा। मौजूद बसों की तादाद 62 से कम होकर 48 रह गई। बल्दियाती इदारों की अदम बहाली का मामला, लोकल गवर्नमेंट के फंड्स इस्तेमाल करने का नोटिफिकेशन मुअत्तल करने का तहरीरी हुक्मनामा जारी। चीफ सेक्रेटरी, सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट 19 जुलाई को हाईकोर्ट तलब।
मुलजम काशिफ जमीर का एक और केस सामने आ गया। सियालकोट के उगोगी थाने का इश्तिहारी निकला। सियालकोट पुलिस काशिफ जमीर को लेने लाहौर पहुंच गई। डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने मुलजम की मुंतकली की इजाजत दे दी। काशिफ जमीर ने दोस्त गुल खान से 8 लाख का फ्रॉड किया था। जालसाजी की वारदातें जोर पकड़ने लगीं। लोगों ने अदालतों में जाली दस्तावेजात जमा करवाना शुरू कर दिया। जाली इकरारनामे के मुलजमान सईद रमजान की जमानतें खारिज कराने के लिए दरख्वास्त दी। अदालत का तफ्तीशी को तफ्तीश मुकम्मल करके रिकॉर्ड पेश करने का हुक्म। वज़ीर-ए-आला से चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी की क्यादत में वफ्द की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी, सियासी बैनुसबाई, हम आहंगी के उमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आला और चेयरमैन सेनेट की रात के दाता दरबार आमद। मुल्क पाकिस्तान की खुशहाली और सलामती के लिए खुसूसी दुआ। स्पीकर चौधरी परवेज इलाही से चेयरमैन सेनेट की वफ्द की हमराह मुलाकात। आवाम के बुनियादी हकूक, सहूलियात और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल। सेनेटर कामिल अली आगा, सेनेटर सरफराज बुगटी, सेनेटर दिलावर खान, सेनेटर अब्दुल कादिर और मलिक फैसल की शिरकत। सादिक संजरानी ने चौधरी शुजात हुसैन की खैरियत भी दरियाफ्त। कंटोनमेंट बोर्ड्स के इंतखाबात 20 वार्ड पर नून लीग के 54 उम्मीदवारों के दरमियान चुनाव। तहरीक इंसाफ ने भी उम्मीदवारों के इंटरव्यूज का शेड्यूल जारी कर दिया। वाल्टन कंटोनमेंट बोर्ड के उम्मीदवारों के इंटरव्यूज कल, लाहौर कंटोनमेंट बोर्ड के उम्मीदवारों के इंटरव्यूज परसों होंगे। सूबाई वजीर माहौलियात और सेक्रेटरी में सर्द जंग फिर से शुरू। FIA अफसर बनकर लिबर्टी मार्केट में छापा क्यों मारा गया? सूबाई वजीर बाऊ रिजवान ने सिक्योरिटी माहौलियात से वजाहत तलब कर ली। सेक्रेटरी जाहिद हुसैन जवाब देने से गुरेजा। सूबाई वजीर ने दोबारा मरासला भिजवा दिया। LDA शोभा टाउन प्लानिंग का गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ ऑपरेशन। टाउनशिप में 9 इमारतें मिसमार। इमारतों की बगैर नक्शा पिलर्स कंस्ट्रक्शन की गई थी। SP आयशा भट्ट की आज सालगिरह। पुलिस अफसरान, दोस्तों, रिश्तेदारों की मुबारकबाद, नेक ख्वाहिशात के पैगाम। और गुलकार फलक शब्बीर का नया गाना जिंदगी रिलीज। शादी की पहली सालगिरह पर गाना बीवी सारा खान के नाम कर दिया। गाने में दोनों मियां बीवी ने ही मॉडलिंग की।